की भक्ति तुम भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले जितने जन्म प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संघ में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है, कोई। अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है, मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे हजार गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर बने। हमारे यहाँ सेवा पूजा की करवा गई। करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा। नहीं तो पहले नियम था, दीवाल पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहां पर आज भी, पहले दीवाल पर बनती थी
पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता है, उसको चिपका दो पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी और शिव आराधना में लगी हुई करवा पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था, करवा ने अपना तीर फाड़ा, फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा और कितना सातित्वता में बल होगा जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक एक घास से, मात्र एक घास एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया, मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा, प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा हम अपने नियम को नहीं बदल सकते, तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा, मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो, यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही, क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है, करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है, मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं, मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ, आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला, एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए, ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है, ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया, जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था,
जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला रहा है, करवा चौथ का पति पत्नी का आचमन कराया। एक करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग, उसके सात पुत्र थे, एक पुत्री थी, भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था, भूख के भाई साथ में खाना खाते थे, एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना, फिर बहन को प्रिय है। मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है, वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है, तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा, शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा। भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है, तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था। तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था, मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला, शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी, और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है, और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है,
तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है, उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर, वो फलती जरूर है, उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है, वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसस्वादन आपको मिलेगा, आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है, बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सिंचन दे दिया एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता है। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहां कौन पानी देने आता है, वहां जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहां कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है, फिर भी इसके बाद भी वहां वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं चीता फल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सेतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है, ना किसी ने पानी डाला ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसस्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है, मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है, वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई पर मीठी की मीठी है, अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए, वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो कथा कब कर्म करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवती स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि दो क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एक क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहाँ दूसरे को मिलेगा, उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज तारकासुर था राक्षस, असुर था, जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे, तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। ना ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, ना भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं, पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी, उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत है? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था,
उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था, था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था। वो भगवान शंकर का उपासक भी और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव के स्मरण में डूबा रहता था। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया, भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी ले। कार्तिक महात्म में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचान आ जाए कि ये शादीशुदा है, पांव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगल सूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो तो, और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है, पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में हम में सब में शिव है, उसको प्रकट कैसे करोगे, उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप एक मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल एक क्षण भी आपकी जिभ्या पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं, हमने कहा देखो सत्य निकला कि निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होगा, मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर जलचर थलचर वायुचर जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे एक कल करवा चौथ गया, कल था ना है, सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही, हमने कहा एक दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो है, रोज महादेव को मनाते हो आज देव को मना लो इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बताओ जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है
तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कह नहीं, हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत। उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात, क्या होए यशोदा मारे से तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा क्या? हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं, यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ, महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो, मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण कंस ये जितने भी हुए इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था, पर भले ये ऊपर से राक्षस थे नाम भले ना लिखा था पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देव अधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे दौड़ दौड़ मन सत्संग कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही आज फिर कहते हैं, कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर पूजन कराकर अर्चना कर जाने में, घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को दो अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है,
एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो। पीटी उषा ने कहा, मेरी माँ ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो, सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धोक लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धोक लगाकर जा रहे हो तो ये सिद्धता है कि तुम्हारा जिस दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा, ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज। लिफाफे का कागज है, हो आधा लिफाफा उनके पास में ही है। नमः शिवाय। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं, कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा, हाँ जरा माइक दे रहा। चित्तौड़गढ़ से आई हैं आप, पुष्पा जी मुंदड़ा। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ सिटी से आई हूँ। जी जी, क्या बाबा ने कृपा कर दी? मेरे बेटे की जॉब लग गई। नवरात्रि में आई थी मैं, फर्स्ट दिन नवरात्रि में आई थी, अभी नवरात्रि में। हाँ, पहले दिन आई थी। हाँ जी, और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई यहाँ, उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई। हाँ, धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए अंदाजा लगाया जाए? ज्यादा ज्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंडड़ा को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा, बाबा की कृपा हो। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया, केवल यहीं से मतलब नहीं। हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए, नयन मिला। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आरती जी ओझा कहाँ है? खड़े हुए माइक दीजिए जरा इनको। शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है आरती जी ओझा श्रीमती जी, पूना से। कहाँ से हैं आप? जी पिंपरी से। पिंपरी से। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करा था। उपाय किया था और उन्होंने पशुपति व्रत किया था और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा गया था जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, PhD में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयाल। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है।
मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चोखट तेरी सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभो सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके प्रणाम कर कर अगरबत्ती लगाकर दिया लगाकर धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम यह भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुका भगवान के। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुका। ये जितने विरोधी हैं ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, दो अगरबत्ती धूपबत्ती ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे, तो कम से कम धूपबत्ती अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगाओ, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं होता। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें परंतु हमें करना। उसका स्मरण करते हुए आप दो मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नैन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़ सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी जाके गंगा नहाऊंगी,
मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी, में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज विसावनिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार, जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी, उनकी धर्म पत्नी ने एक साल से भोजन छोड़ के रखा है केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना, कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा, हो सकता फिर आगे बढ़ गई। तो जरा सोचिए, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव आएगी उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी, और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन ले। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर, क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा उज्जैन में। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा, नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि साहब मैं जब तक कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं, पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, अब मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, आप उसको बुलाओगे। बस यही कथा कर रही है, एक क्षण, आधा क्षण, एक मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए। दो मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर लें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना, देखिए शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है, इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की दो धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की दो धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना दूसरी वल्ली देवी, पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी तो शिव महापुराण में नहीं लिखा, फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था,
स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा, स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा, प्रभु जी सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, दो मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्म पत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम लोभ आसक्ति वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में 1 मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, बस ये मन जो छटा है इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने, सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा, सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के, उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया, 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठ कर बात करने लगे, तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना उतनी तकलीफ देगी। इसीलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप, उनको मालूम है दादा उलझ गए तो। ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया, इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज्यादा बयान दोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा, इसलिए आप बोला ही मत ही ना, तुम मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सम, कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना, एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है, हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज़ नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली, इतनी सीधी सादी छोरी है, आप देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी, अभी काय बोलेगी, अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो,
कहा? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवन होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुतने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है, तो उसको सुलझा नहीं सकते। फिर बड़े प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा, एक काम करो कि सुई में से धागे को वापिस निकालो, और निकाला धागा वापिस, और फिर वापिस उसको सही करने का प्रयास किया, वापिस सही, फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, दो दिन मत बोलो, तीन दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो, पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ कुड़ के अंदर मारा जाएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रही, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मती, जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो पक्का है, उसको सुलझ। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है छह मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया पर मुख छह अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणानुवाद करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया था, तुमने 10 सिर क्यों लिए, तो क्या मर्जी मेरी, तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहा हूं। जिभ्या भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति, सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है। महाराज इसलिए कहा, उमापति रखियो मेरी लाज। किसी बहन बेटी पर कभी हाथ का स्पर्श भी नहीं करते थे, और आज के डाकू, अब तुम समझ जा नी के उत्तम ही, ये
और कितना, बस एक काम था इनका कि इनको धन लेकर आना है, इनको पैसा उठा कर लाना है, धन लाना है। और जाने से पहले कहाँ जाते थे, डाका डालने से पहले, जम के बोलो, जिस देवी को मानते थे, जिस देवता को मानते थे, पहले उनके यहाँ जाके नमन करके अगरबत्ती लगाए, धूपबत्ती लगाए, निवेदन करके फिर जाते थे कि आज हम डाका डालने जा रहे हैं। भवानी और ये भवानी दोनों को लेकर जाएंगे, हम आएंगे तेरी आराधना करेंगे। तो बहुत पुराने समय के जो डाकू होते थे, उनको उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी। किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। पहले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू, पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था, या तो एक पापी पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए, पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है, दिक्कत मारनी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है, भक्ति में भी। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे एक पत्नी पड़ोसन के यहां गई और पड़ोसन के यहां जाके बोली, मैं मेरे पति से बड़ी परेशान हो गई हूं। उसने पूछा, क्या हो? मेरा पति इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि मैं उससे परेशान हो गई हूं। क्या झूठ बोला तेरे पति ने? सुबह से चिल्ला रहे हैं, मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। सुबह से चिल्ला रहे हैं कि मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आ चुकी हूं, 4,000 ही हैं। अब बताओ मेरा पति कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा मेरा पति है। सुबह से चिल्ला रहे 5,000 निकाल लिए जेब में से किसी ने, 5,000 निकाल लिए, सुबह से झूठ बोल रहे हैं, 5,000 निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जा चुकी हूं और गिन के आ चुकी तो मुझे 4,000 ही मिले। अब बताओ कितना झूठा है। अब ये नहीं कह रही खुद चोटी, अब वो क्या झूठ झूठ बोल रहा है, वो दिख रहा है 4,000 बोले। बस यही हमारा क्रम महाराज, कोई असुर प्रवृत्ति का भी है। फिर वही वाली बात आ गई कि दिन में भी शक्कर खाओगे तो मीठी रहेगी, रात को भी खाओगे तो मीठी रहेगी, अंधेरे में भी खाओगे तो मीठी है, दिन में भी खाओगे तो मीठी है, उजाले में भी खाओगे तो मीठी है। उसी तरह राक्षस होकर भी भगवान का भक्त है तो भगवान उसको मिलेगा जरूर। रावण शंकर का उपासक थे, रावण राक्षस थे, पर भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, इसलिए मारने राम जी को आना पड़ा। तारकासुर भी राक्षस था पर भगवान की शिव की भक्ति थी, इसलिए मारने शिव के पुत्र आए। कोई साधारण नहीं आ सकता। आराधना तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो हो समझो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विचार करिएगा, तारकासुर का संहार शिव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा, कार्तिकेय ने संहार करा तो भी माता पार्वती जी ने कह दिया था इसके हृदय में शिव बैठे हैं, अगर कोई बाण छोड़े भी तो हृदय में नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। जी मां बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और युद्ध हुआ, इसीलिए कार्तिक का नाम कार्तिक के मास इस कार्तिक महीने का क्यों पड़ा, क्योंकि कार्तिकेय जी ने जब संहार करा, तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, सारे शरीर का संहार किया गया, सारे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया।
क्योंकि उस हृदय में शिव समाया था और शिव के हृदय में राम समाया था, मेरा नारायण समाया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए थे तारकासुर के संहार पर, शिव इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शिव जी तो बैठे हुए थे बड़ी आराम से कैलाश पर्वत पर। भगवान विष्णु ने जाते से कहा, हर हर महादेव। कैसे आना हुआ, क्या हो गया, कैसे आयो? शंकर जी ने पूछ लिया। भगवान विष्णु बोले, प्रभु बात इतनी सी है कि आपके पुत्र ने तारकासुर का संहार कर दिया तो रजिस्ट्री कराना है। रजिस्ट्री? हाँ, क्या रजिस्ट्री? आपने अभी, आपको पहले भी कथा में कहा, इससे पहली कथा में भी कहा, घड़ी शिव ने बनाई, पल शंकर जी ने बनाया। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि, महीना, वर्ष सब शिव का बनाया हुआ, सारा की सारा सृष्टि का जितना ये घड़ी, पल, समय, सब महीने, दो महीने, साल, ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री किस चीज की? कि 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से एक महीना आपके बेटे के नाम करना। होगी रजिस्ट्री? 12 महीने में से एक महीना किसके नाम पर है? जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूस, माघ, चैत्र, अश्विन, जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल एक महीना। और एक वो तीन साल में एक बार आए, कौन सा? अधिक मास, वो भी भगवान ने दिया। और वो 12 महीने में नहीं आए, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप, माघ मिलेगा, पूस मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, अश्विन मिलेगा, सारे महीने मिलेंगे, मल मास आदि अधिक सब मिल जाएंगे, पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल एक मिलेगा, वो है कार्तिक मास। क्योंकि यह प्रॉपर्टी में लिख दिया गया, सील ठप्पा लग के, सिग्नेचर होके ठप्प लग गया कि ये कार्तिक मास, ये महीना इनका है। तो पूछा, कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो, है तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, अच्छा तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी, समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में, जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच गए, ध्यान नहीं रहा। इनने तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि ना नहीं तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के ही नहा ली।
अब आधी रात के नर्मदा जी में नहीं, और विचार तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। हमारा शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी बजे से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो महाराज, वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्हें स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बना कर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद भागवत का चरित्र है, दसम स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे, यशोदा जी ने कहा लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंद राय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहां गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर ली रात्रि के तीसरे पहर में। ओहो, मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए, वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कर ली कल, बोले सही है कि गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो भीम के लिए, और फिर सास के कि क्योरी जरूरत पड़ी तो हेड लाई, अब पटक दिया, अब बिचारी सास उठाए। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है, अब तुम तो कहीं ने चलनी में मुंडा देखी है। अब गलत नहीं करो, पूजन पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी, फैला रहा तुमने, फैला दिया, उठाई डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी घना चले। अब बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, तो मुंह भी चले, फिर वो चले, तो भी बुरा लगने ही नहीं चाहिए। यहां सब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठाकर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूँ, मम्मी पढ़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई, वास्तव में मैंने पूजन तो करी पर ये करवे तो यहीं रख दिए, मैंने सामान तो यहीं पड़ा के पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए, तो पूरा काम भी करो। पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ, रखो, संभाल कर रखो, जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, उसके बाद झाड़ू को ऐसी जगह उठा के पटका, अब दूसरी बार कचरा इकट्ठा हो गया, अब ढूंढती फिर रही। पिन्नी मिली कमरा में तो पड़ोसी कहते, कहीं झाड़ू है क्या तुम्हारे? हमारे कमरा की तो मिली नहीं रही। ये कुबेरेश्वर धाम के ये जो कमरे बनाए ना, ये इधर से इधर
जिसमें भगत लोग आए सो ठेर जाए कर जाए, इनमें भी एक एक जादूगरी थी। अब अभी जितने ठहरे नहीं इनसे पूछ लो इनका कमरा में झाड़ू मिली, सब गायब। अब कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करे, कहीं से झाड़ू लाऊं। और मालूम पड़ा जो हाल की थी वो भी ले गई, वो मिले सुधा। बस आदत हमारी यही है, हम गलती को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो महान बनने में देरी नहीं लगे। हम गलती स्वीकार नहीं करते, गलती को हम दूसरे पे थोप देते हैं। क्यों, झाड़ू रखी थी, हमें क्या मालूम, हम तो अभी आए। मतलब गलती दूसरे पे थोप दो। फिर उसे पूछा, क्यों री लीला, झाड़ू कहाँ है, फेल लो, हम तो खुद पड़ोसन की लेके आए थे। तो ये उसी में कहा लेना, टीचर ने आते से पूछ लिया, क्यों रे, हे पप्पू खड़े हो, यस सर, धनुष किसने तोड़ा। पप्पू खड़े हो के बोले, मेरे बाप की सुगंध खाऊं, मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद आज क्लास में ही लेट आया। धनी राम तू खड़े हो जा। जी सर, धनुष किसने तोड़ा, मैं तो कल आया ही नहीं था। सब ने बहाने बनाए, कोई कहे ऐसा कोई कहे, बस हम गलती स्वीकार नहीं कर। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, मान लो उस दिन सुख हमारे सामने आ गया, सुख सामने आ गया, करा नहीं। बूढ़ी माँ जाए स्नान करे आए, तारा स्नान, कौन सा स्नान, कार्तिक की। अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का, तारा स्नान का, तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई, मान लो गलती की, हाँ हुई है साहब, क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई पर इतना जरूर है अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया, गलती। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती तारा स्नान करती आती, मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है वो, बहुत बूढ़ी है। जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी माँ तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा, माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था उसी से पाले थे।
एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी माँ, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम, नामदेव आदि आदि को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है, तो डूब नहीं सकते, ये पक्का है। एक बहुत अच्छा संवाद देखिए, देखिए विश्वास की दृढ़ता देखिए इस प्रश्न में कितना है। आशा जी चापक लिखा है कि व्यापक लिखा है, हैं? थापक थापक, धन्यवाद। खरगोन से आए, खड़े होइए। माइक पहुंचाओ जरा। बड़ा सुंदर भाव आपने लिखा है, आपने लिखा है। आशा जी आप कहाँ से आई हैं? खरगोन जिला भीकन गांव। भीकन गांव से आई हैं। आपने क्या लिखा है इसमें, आपने बाबा ने क्या कृपा करी आपको? 8 महीने पहले महाराज जी आपकी कथा सुनी थी मैंने जी, तो आपने जो अकाओ के जड़ की जो बताया था, आंकड़े की जड़ का, हाँ, जो अकाओ के जड़ का, तो मेरी बहू को 10 साल हो गए। 10 साल से बच्चे नहीं थे उसको? एक बच्ची है, इसके बाद हुआ नहीं, नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब नहीं होंगे जी। और एक दिन पहले यानी संडे को मैंने आपका वो सुना जी, और सोमवार के दिन मैंने ये उपाय आपका किया जी, और बस उसी महीने से मेरी बहू को बच्चा रहेगा जी। हाँ, अब 8वां महीना चल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं? अगर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भगवान लेगा जरूर। सोने को जब तक तपाओगे नहीं, तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है, जिससे वो उज्जवल हो जाए। उसकी उज्जवलता उसको घसीटने पर, पीटने पर प्राप्त होती। मीराबाई की उज्जवलता काय से प्राप्त हुई थी? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेज दिया, शेर भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, उसमें उसकी उज्जवलता हो गई। फिर डरने वाली बात नहीं, फिर वो बात ध्यान रखना, कोई ताला भी लगाए चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले भोले बाबा से, शंभु बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी,
मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले। भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए? अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा जीवन में, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे, जैसे बूढ़ी माँ तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों। आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया? रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे, और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले, तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया एकदम इतना। कहां तवा सीधा, कहां तवा उल्टा। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे, आखिर कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का, क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया, कारण क्या बना। और वही क्या कारण हो सकता, मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां, अब बूढ़ी माँ को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बना कर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप भी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा, जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार 7 बार 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तब मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं, एक नियम कोई सा भी मना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान की, कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को ये भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें। तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम धारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो, मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर।